हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू पिटिस क्लासेस एंड इफेक्टिव वे ऑफ लर्निंग। टुडे वी आर गोइंग टू डू एक्सरसाइज 7B। आज हम लोग एक्सरसाइज 7B करने जा रहे हैं। फर्स्ट मेक श्योर कि आपने चैप्टर 7 का एक्सरसाइज 7A एंड 7B का जितने भी पार्ट है आप देख चुके हो, तो ही आप इस पार्ट को स्टार्ट करना। देन लेट स्टार्ट अवर टॉक। क्वेश्चन नंबर 17 है, सुमित्रा हैज रुपीज 24। सुमित्रा के पास 34 रुपये है जो कि 50 पैसे का है, 50 पैसे और 25 पैसे का क्वाइन है। सुमित्रा के पास 50 पैसे और 25 पैसे का क्वाइन है और उसको टोटल करने के बाद 34 रुपीज़ उसके पास हो रहा है। तो बोलता है इफ़ द नंबर ऑफ 25 पैसे इज ट्वाइस द नंबर ऑफ 50 पैसे क्वाइंस, यदि जो 25 पैसे का जो क्वाइन है वो 2 गुना है किससे, द नंबर ऑफ 50 पैसे क्वाइन, तो 50 कैसे क्वाइन के कंपैरिजन में, ठीक है। हाउ मैनी क्वाइंस ऑफ इच काइंड डज ही हैव, तो उसके पास कितने क्वाइंस हैं 25 पैसे के और 50 पैसे के। तो सॉल्यूशन करते हम लोग। आप लोगों की सबसे पहली गलतियाँ मैं बता देता हूँ कि सुमित्रा इज रुपीज़ 24, सुमित्रा के पास 24 रुपये, तो इसको पहले हम लोग को पैसे में कन्वर्ट करना होगा, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, सुमित्रा हैज़ रुपीज़ 34 है, देन रुपीज़ 34 इंटू 100 करेंगे, सॉरी 100 जब कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा पैसे, देन 3400 पैसे इसके पास हो जाएगा, क्लियर। अब कंडीशन क्या दिया है कि 25 पैसे इज ट्वाइस, 25 पैसे ट्वाइस 2 गुना है, देन लेट 50 पैसे क्वाइंस बी एक्स, क्वाइंस बी एक्स, यदि 50 पैसे का क्वाइन एक्स है तो 25 पैसे का क्वाइन कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा क्योंकि 2 गुना है, देन विल बी, तो क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। अब बोलता है कि 50 पैसे का क्वाइन कितना एक्स है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 50x प्लस 25 पैसे का क्वाइन कितना है 2x, देन 25 पैसे इंटू 2x, तो टोटल कितना पैसा है मेरे पास 3400, देन 50x प्लस 25 इज 50 इज टू 3400, देन 50 100 x इज टू 3400, देन x इज टू 3400 बाय 100, देन x इज टू 34 आ गया हमारे पास, तो x कितना आ गया हमारे पास 34 आ गया। तो चलिए हम लोग आगे करते हैं, देन नंबर ऑफ 50 पैसे, नंबर ऑफ हैंस, नंबर ऑफ 50 पैसे क्वाइन इज, 50 पैसे क्वाइन को कितना माने थे हम लोग एक्स, तो ये कितना हो जाएगा 50, एंड नंबर ऑफ 25 पैसे क्वाइन इज, पैसे क्वाइंस, क्वाइंस आर कितना हो जाएगा 2x, 2 इंटू 50, 2 इंटू 2x, दैट मीन 25 पैसे कॉन्टेंट कितना हो जाएगा हमारे पास 25, 2x हम लोगों ने माना था उसको, तो 2 इंटू 50 इज इक्वल टू 100। क्वेश्चन नंबर 18 में बोलता है कि राजू इज 19 ईयर यंगर देन हिज कजन, राजू जो है वो 19 साल का छोटा है अपने कजन से, तो मान लेते हैं सॉल्यूशन, लेट द एज ऑफ राजू, लेट द एज ऑफ हिज कजन, द एज ऑफ हिज कजन बी एक्स, एक्स है, देन राजू का एज क्या हो जाएगा, देन राजूज एज क्या हो जाएगा x माइनस 19, यही होगा ना, 19 साल का छोटा है तो उसके भाई से x, हम x माइनस 19 कर देंगे, तो आफ्टर 5 साल के बाद देन आफ्टर 5 ईयर, आफ्टर 5 ईयर्स क्या हो जाएगा देखते हैं हम लोग, इज कजन, तो आफ्टर 5 ईयर देयर इज विल बी इन द रेशियो 2:3, तो 5 साल के बाद तो हिज कजन, उसका जो कजन का जो भी एज था वो x प्लस 5 हो जाएगा, 5 साल बढ़ गया, एंड राजू का एज क्या हो जाएगा 5 साल के बाद,
5 ऐड कर देंगे, x माइनस 19 प्लस 5। बोलता है कि विल बी इन द रेशियो, विल बी इन द रेशियो, रेशियो में है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राजू एज, तो राजू का एज क्या है 5 साल के बाद, x माइनस 19 प्लस 5 बाय, ठीक है, x प्लस 5 उसके कजन का एज इजकल टू 2/3। अब चलिए अब इसको इससे मल्टीप्लाई करते, पहले इसको सॉल्व कर देते हैं, x माइनस 19 प्लस 5 बाय x प्लस 5 इजकल टू 2/3। तो x 19 प्लस 5, माइनस प्लस माइनस होता है, 19 में 5 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 14 आ जाएगा, ठीक है, और साइन किसका रहेगा, माइनस का, क्योंकि 19 बड़ा है। देन x प्लस 5 इजकल टू 2/3। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 x माइनस 14 इजकल टू 2 एक्स प्लस 5। तो हम लोग ना इसको सॉल्व कर देते हैं, एक मिनट, वन मिनट ओनली, ठीक है। तो 3x, अब क्या हो जाएगा, 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, 3x माइनस 13 4 जा 42 इजकल टू 2 और x को मल्टीप्लाई करेंगे, 2x प्लस 5 टू जा 10। अब ये माइनस में है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, 3x ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस 2x इजकल टू 10 प्लस 40 टू, माइनस इधर आएगा तो प्लस 42। देन x इजकल टू 2 को 0 से ऐड करेंगे 2, 4 को 1 से ऐड करेंगे 5, x इजकल टू कितना आ जाएगा 52। तो उसके जो कज़न का एज है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, एज ऑफ हिज कज़न, तो हेंस एज ऑफ राजूस कजन, राजू के का जो चचेरा भाई उसका क्या हो जाएगा, एक्स इजकल टू 52 एंड इज एज एंड एज ऑफ राजू, तो और राजू का कितना साल होगा, तो हम लोग एक्स माइनस 19 रखे थे, दैट मीन एक्स 52 माइनस 19, देन 52 माइनस 19 तो 3 आ गया और 4 में 1 कर दिया तो 3, देन 33 ईयर्स, ठीक है, इसको भी ईयर्स लिख दीजिए आप लोग यहाँ पे। तो इतना मेरा क्या हो जाएगा, एज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, ए फादर इज 30 ईयर ओल्डर देन हिज सन, एक पिता जो है अपने बेटे से 30 साल बड़े हैं। तो मान लेते हैं लेट द एज ऑफ सन बी एक्स, एज का जो बेटे का एज है वो एक्स है, तो फादर क्या क्या होगा, तो एज ऑफ फादर कितना होगा, एज ऑफ फादर विल बी एक्स प्लस 30, क्योंकि 30 साल बड़े हैं तो बेटे में 30 साल ऐड हो जाएगा। बोलता है इन 12 ईयर, 12 साल के बाद द मैन विल बी 3 टाइम, द मैन विल बी 3 टाइम, जो मैन है वो 3 गुना एज ओल्ड, वो अपने बेटे से क्या होता है, मतलब ओल्ड हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है। तो फाइंड देयर प्रेजेंट एज, दैट मीन 3 टाइम्स, अपने बेटे का 3 टाइम्स, तो देन अपने बेटे का 3 टाइम्स, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपने बेटे का 3 टाइम, तो 3x, क्लियर है, इन 12 ईयर, तो 12 साल, तो बेटा का क्या था, x था प्लस 12 इजकल टू, इसका बेटा का क्या हो जाएगा, x प्लस 30 प्लस 12, क्यों होगा, क्योंकि ध्यान से समझिए क्वेश्चन, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा आप लोग कि फादर इज 30 ईयर ओल्ड, जो फादर है वो अपने बेटे से 30 साल का बड़ा है, तो यदि x है तो x प्लस 3 हो जाएगा, फादर x प्लस 30 हो जाएगा फादर का, तो इन 12 साल, इन 12 ईयर, तो 12 द मैन विल बी 3 टाइम्स, जो मैन है वो 3 गुना बढ़ जाएगा, मतलब 3 गुना ज़्यादा बूढ़ा हो जाएगा अपने कंपेरिजन टू हिज सन, अपने बेटे से। तो हम लोग उसका बेटा का यदि x है तो 3x, 3 टाइम्स, तो x प्लस 12, देन यहाँ पर 3, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा क्योंकि हम 3 टाइम्स है ना, x प्लस 12। अब इसको सॉल्व करते हैं, देन 3 और x, देन 3x प्लस 3
3 2 12 36 इजकल टू एक्स प्लस देन 2 और 0 2 देन 3 1 4 42 देन 3x माइनस x इजकल टू 42 माइनस 36 अभी कितना आ जाएगा 2x इजकल टू 6 देन x इजकल टू कितना आ जाएगा हमारे पास हाँ ये आ जाएगा 3 क्लियर है x इजकल टू 3 आएगा तो सन का जो एज होगा कितना होगा मतलब बेटे का एज सन्स एज इजकल टू x इजकल टू 3 एंड फादर एज फादर्स एज यहाँ लिख दीजिए हैंस फादर्स एज क्या हो जाएगा x प्लस 30 देन 3 प्लस 30 इजकल टू 33 क्लियर है यहाँ तक सेम क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 19 को हम लोग एक दूसरे मेथड से सॉल्व करते हैं चलिए तो हमें बोला गया था कि ए फादर इज 30 ईयर ओल्डर देन हिज सन एक पिता जो हैं वो अपने बेटे से 30 साल बड़े हैं तो ले मान लेते हैं लेट एज ऑफ सन यदि x है तो एज ऑफ फादर फादर x प्लस 30 हो जाएगा उसके बाद बोलता है कि बोला जा रहा है कि आफ्टर 12 ईयर 12 साल के बाद ठीक है देन आफ्टर 12 ईयर्स ठीक है तो सन का एज क्या हो जाएगा एज ऑफ सन x प्लस 12 एंड एज ऑफ फादर x प्लस 12 प्लस ये 30 था तो इसमें 12 हम ऐड कर देते तो मैंने पहले ही कर दिया ये क्या हो जाएगा x प्लस 42 उसके बाद हमें क्वेश्चन में फिर से कहा जाता है कि द मैन विल बी 3 times द मैन विल बी 3 times वो जो आदमी है वो अपने बच्चे का अपने बेटे का जो 3 गुना अपने बेटे का 3 गुना बराबर हो जाता है मतलब आने वाले समय में वो अपने उसके जो बच्चे हैं जो उसका बेटा है 3 times हो जाता है उसका उसके इक्वल में हो जाता है तो 3 times किसका होता है अपने सन का देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3x प्लस 12 इजकल टू x प्लस 42 क्योंकि वो आदमी किसके कब इक्वल होता है अपने बेटे का 3 गुना तो अपने बेटे का 3 गुना तो देन 3x प्लस 12 इजकल टू x प्लस 42 अब देखिए 3 को x से मल्टीप्लाई करें 3x और 3 12 जब 36 इजकल टू x प्लस 42 देन 3x प्लस इधर आएगा तो माइनस देन 42 माइनस 36 देन 2x इजकल टू 42 में 36 माइनस करेंगे तो 6 आएगा ठीक है देन x इजकल टू 6/2 देन x इजकल टू 3 देन इसका सन का एज क्या हो गया हैंस एज ऑफ सन 3 एंड एज ऑफ फादर x प्लस 30 देन 3 प्लस 30 इजकल टू 33 आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा पहला प्रोसेस नहीं आया तो दूसरा वाला तो आया ही हो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला जा रहा है द एज ऑफ सोनल एंड मनोज आर इन रेशियो 7:5 देन लेट द रेट लेट द रेशियो बी एक्स मान लेते हैं रेशियो एक्स है देन क्या हो जाएगा हमारा एज विल बी क्या हो जाएगा 7x एंड 5x होगा तो बोलता है कि 10 years hence 10 साल के बाद द रेशियो ऑफ देयर एज विल बी 9:7 देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 7x प्लस 10 10 साल के बाद बाय 5x प्लस 10 इजकल टू 9/7 क्लियर यहाँ तक 10 साल के बाद बोला गया तो हम लोग 10 ऐड कर दिए दोनों में इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसको इससे क्रॉस कर देंगे 7x प्लस 10 इजकल टू 9 5x प्लस 10 एंड 7 7 जा 49x प्लस 7 10 जा 70 इजकल टू 9 5 जा 45 प्लस 9 10 जा 90 यहाँ पर x होगा देन 49x प्लस इधर आएगा तो -45x इजकल टू 90 प्लस इधर आएगा तो -70 देन 49 माइनस 45 देन 4x इजकल टू 20 देन x इजकल टू 20/4 x इजकल टू 5 x कितना आ गया 5 आ गया हमारे पास
उसके बाद देखिए, देन हैंस प्रेजेंट एज ऑफ सोनल, प्रेजेंट एज ऑफ सोनल, तो सोनल का क्या एज माने थे हम लोग, 7 था, और सोनल का 7 था और मनोज का 5 था, देन 7x, तो x का वैल्यू कितना लाए हम लोग, 5, देन 7 5 35 ईयर्स, ठीक है, और प्रेजेंट एज ऑफ मनोज क्या था, 5x, 5x, देन 5 इंटू 5, 5 5 25 ईयर्स, क्लियर यहाँ तक।